गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज 2 तारीख है और जिन भी कॉलेजों का एफिलिएशन कैंसिल हुआ था उनका जो आज से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वोकेशनल कोर्स और बीए पार्ट टू दोनों के लिए भरा जा रहा है। तो जो भी ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं जिनका कि एफिलिएशन कैंसिल हुआ था वो आज से अपना फॉर्म फिलअप कर ले। आज 2 तारीख है और यह फॉर्म फिलअप करने की जो है यह डेट लास्ट वैसे तो 11 तारीख तक है, लेकिन आपको 7 तारीख तक कर लेना है क्योंकि 7 तारीख के बाद जो है आपको लेट फी लगेगा, यानी कि विलंब शुल्क इसके बाद लगेगा। तो आप सभी जो अपना 7 तारीख तक जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए क्योंकि उसके बाद आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और इसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद वोकेशनल कोर्स वाला का हो सकता है कि जल्दी एग्ज़ाम भी हो, तो इसलिए आप जो अपना तैयारी भी शुरू कर दीजिए क्योंकि फॉर्म फिलअप होगा उसके कुछ दिनों बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर जो आपका जल्दी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि यह एग्ज़ाम जनवरी में हो, जनवरी लास्ट तक में शुरू हो जाए, लेकिन क्योंकि फरवरी में जो आप ध्यान दें तो BSEB का जो है 12th का एग्ज़ाम है, तो आपको यह ध्यान रख के चलना है। तो अगर यह जनवरी में नहीं होता तो यह मार्च में स्टार्ट होगी। तो आई होप कि आप सभी जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे ताकि वह आसानी से जो है कंप्लीट हो सके रहते टाइम में। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं वो आप सबको मिल सकें और आप सभी जो है मगध यूनिवर्सिटी के न्यूज़ से अपडेटेड रहें।